मैं तो एनटीआर की ही वो जो है ना एक्सप्रेशंस देखने की कोशिश करता हूँ, जिस तरह वो एक्सप्रेस करता है ना अपने हर इमोशन को, तो मैं तो वो देख रहा था और फ्लॉलेस है। मतलब है कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ। तो आजकल हम एनटीआर की वीडियोस पर रिएक्शन दे रहे हैं, आप सब जानते हैं, और बड़ा मज़ा आ रहा है। आप लोगों की ढेर सारी रिक्वेस्ट आती हैं और उन सबको मैं पढ़ रहा हूँ, और कोई ये मत समझे कि उनकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं होगी। सो जस्ट बी पेशेंट, सबकी रिक्वेस्ट पूरी होगी। तो आज हम जिसका रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है यामाडोंगा मूवी, और इसको डायरेक्ट किया है बाहुबली के जो डायरेक्टर हैं एसएस रजामौली ने। इनकी रिसेंटली एक फ़िल्म का टीज़र आया है, मोशन पोस्टर आया था RRR, जिसमें रामचरण और NTR होंगे। वहीं से सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ था। आप लोगों ने फिर हम मुझे कहना शुरू किया आप NTR के ये ट्रेलर्स, मूवीज, सीन्स देखें। तो इस मूवी की भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है यामाडोंगा, और इसमें कोई सीन है, डायलॉग सीन है मोहन बाबू और NTR, जूनियर NTR के बीच में। अब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बेसिकली जो यामाडोंगा है, ये बेसिकली जो फिल्म है, इसका कुछ मैंने जो समझा है वो यही है कि ये बेसिकली ऊपर जब मरने के बाद चले जाते हैं वहाँ, उससे रिलेटेड कुछ मूवी है, जिसमें NTR जब मर जाते हैं वो ऊपर जाते हैं, तो जो मोहन बाबू हैं वो शायद वहाँ पे यमराज हैं या पता नहीं इस तरह कुछ हैं, तो उन दोनों के बीच में कोई इस तरह अनबन होती है क्या, तो वो डायलॉग सीन है। तो ये मुझे समझ आया है। एंड सब टाइटल्स इसके ऑन हमने रख लिए हैं, और जो है हम ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो ये सीन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि आज NTR हमें किस चीज़ से सरप्राइज़ करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट, इसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। सो हमारे साथ साथ रहिए। यहाँ YouTube पे कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो कि ब्लॉक कर दी जाती हैं, तो इसलिए हमने रिस्क ना लेते हुए इस वीडियो का रिएक्शन वाला पोर्शन मेरे Facebook पेज पर है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। उस पर जा करके आप रिएक्शन देखिए, रिएक्शन देख करके वापस यहीं YouTube पर आए। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ रिव्यू के लिए, रिव्यू के लिए यहीं पर आइए। सो आई एम वेटिंग। ओके, सो अब तक आप लोगों ने रिएक्शन देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, आपने उतना ही इन्जॉय किया होगा जितना मैंने किया है। अब बारी है रिव्यू की। ओके फ्रेंड्स, हमने ये सीन देख लिया है, और मैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि मूवी का कोई सीन देखने से आपको स्टोरी नहीं पता चलती, लेकिन मैंने जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था कि बेसिकली ये एक ऐसी मूवी है जिसमें कि जो मरने के बाद क्या होता है वहाँ पे आसमान में जाके, उससे रिलेटेड है। और इसमें क्योंकि मैंने जो सीन देखा है वो NTR और मोहन बाबू के बीच में एक डायलॉग कन्वर्सेशन हो रही है, तो लेकिन इस मूवी का बेसिकली मैंने जो रिसर्च किया है वो यही है कि NTR इंसान होते हैं जो कि यमा जो भी हैं, ये यमराज हैं, इनके बारे में कुछ बोलते हैं बुरा भला, और ये जो है इनको अच्छा नहीं लगता, और ये कहते हैं कि 100 दिनों में शायद NTR जो हैं वो मर जाएंगे। फिर NTR जब मर जाते हैं तो वो यमलोक आते हैं, और वहाँ पर फिर जो है वो अब ये देखने को मिल रहा है कि यमराज के जो सिंहासन बोलते हैं या थ्रोन बोलते हैं उस पर बैठे हैं, और यमराज ऊपर से देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है यमलोक में, और वो नीचे आ जाते हैं। और फिर जो है वो बोलते हैं इसको कि तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई मेरे उस पर बैठने की, और तुम इंसान लोग तो बड़े नीच होते हो, तो इस तरह करके चीप होते हो, सब टाइटल्स में यही आ रहा था। तो अब तुम्हारे पास एक ही है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। तो वो फिर जो NTR को गुस्सा आता है, और NTR जो शुरू होते हैं, और मुझे तो लगता है सांस लिए बगैर इन्होंने कंटिन्यूस वो डायलॉग बोला है अपना, और आप लोग बता रहे हैं जैसे कि वन टेक एक्टर हैं, एक टेक में ये सारा सीन कर देते हैं, तो इनमें टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है। ये सिंगर भी आप लोग बता रहे हैं कि है, तो उस पर ज़रूर हम इन पर रिएक्शन देंगे, इनकी सिंगिंग की पर भी। खैर अभी की बात करते हैं तो फिर ये कुछ एग्जांपल्स देते हैं, सावित्री हो गई, और मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं गलत प्रोनाउंस ना कर दूं कि ये लोग कौन थे, ये भी इंसान ही थे, तो तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई कि इंसानों को तुमने जो है नीच कहा। वो जो डायलॉग डिलीवरी दी ना वो एक्सप्रेशंस के साथ और वो कंटिन्यूस, और फिर कहा कि अब मैं ही तुम्हारे इस सिंहासन पे बैठूंगा, और फिर जो मोहन बाबू ने यामा ने जो है उसको मारने की कोशिश की तो उसने हाथ किया और वो ट्रक करके सब टूट गया।
तो मैं तो एनटीआर की ही वो जो है ना एक्सप्रेशंस देखने की कोशिश करता हूँ, जिस तरह वो एक्सप्रेस करता है ना अपने हर इमोशन को, तो मैं तो वो देख रहा था और फ्लॉलेस है, मतलब है कि जिस तरह कंटिन्यूअस बोला है। एंड दिल करता है इन सीन्स को देखने के बाद कि काश ये होती हिंदी में, या तो हम इसको देखते। खैर डब्ड होती हैं, तो इस तरह की एक मिलती जुलती फिल्म मैंने देखी थी जितेंद्र की, लोक पर लोक। खैर वो थोड़ी डिफरेंट थी, उसमें भी वो मर जाते हैं, फिर वो यमराज को कहते हैं कि भाई नीचे आओ आप दुनिया में। तो वो मैंने तकरीबन वो कहीं पे देखी थी और वो मैंने पूरी देखी थी एंड तक। बड़ा मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, ये कुछ उससे मिलती जुलती है। तो इंटरेस्टिंग सीन है, मुझे अच्छा लगा है, और जिस तरह की डिलीवरी दिया ना, डायलॉग डिलीवरी, वो बहुत बेहतरीन है। तो इसी तरह आप लोगों की जो मुझे रिक्वेस्ट आ रही हैं, उनमें से जो मतलब ज़्यादा लोग जिस चीज़ पे रिक्वेस्ट करते हैं उस वाइज मैं चलता हूँ, तो उसी तरह मैं चलता रहूँगा, रिक्वेस्ट पूरी करता रहूँगा। तो कुछ इस मूवी के बारे में मज़ीद आप मुझे अगर बताना चाहते हैं, या सीन के इस रिलेटेड कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, या मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताइए। रिएक्शन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टा पर हमें फॉलो कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। एक और वीडियो में आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।